नवरात्रि के सातवें दिन हम माँ के कालरात्रि रूप की आराधना करते हैं। कालरात्रि जिनके वश में है काल अर्थात मृत्यु और समय, इस रूप में माँ संसार को ये शिक्षा देना चाहती है कि एक स्त्री अपनी इच्छा शक्ति, भक्ति और तपोबल से अपने पति और संतान पर आए संकट को द्वार से ही लौटा सकती है, फिर चाहे वो बुरा समय हो या स्वयं मृत्यु। स्वरूप में भयंकर दिखाई देने वाली माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल ही देती है, इसलिए उनका दूसरा नाम शुभंकरी देवी भी है। पिताजी। पुत्र, मेरा पुत्र, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकार लगाई है। कहीं ये दोनों अपने पुत्र के लौटने का तो नहीं सोच रहे हैं? यदि वो लौट आया तो मेरी सारी योजना विफल हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? अब आप दोनों एक दूसरे को ऐसे काय घूरे जा रहे हैं? न जाने क्यों आज अचानक ऐसा लगा जैसे हमारे पुत्र हमें पुकारे। हमें भी रह रहकर उनके मुख की स्मृति आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो हमारे निकट ही कहीं है। ये तो शुभ संकेत है। हो सकता है आप दोनों का आभास सही हो और नवरात्रि समाप्त होने के पहले तक वो घर लौट आए। अब आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी। और आपके पुत्र को गई इतने बरस हो गए हैं, अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। ये स्त्री मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रही है? और मुझे इनमें माता का रौद्र स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है? ये कथा सुनकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि यदि माँ चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। आप पूरे मन से व्रत और पूजा करें, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि माँ प्रसन्न हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हम भोग का प्रबंध कर लेते हैं। माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्राणी, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री माँ। माता, माता, माँ, माता, आपने हमें दर्शन देकर धन्य कर दिया। मां, हमें हमारा पुत्र लौटा दीजिए। मां, हम पर दया कीजिए। मां, हमारा पुत्र लौटा दीजिए। न जाने वो किस दशा में होगा। आप सब निश्चिंत रहे, सच्चे मन और विधि विधान से किए गए व्रत का मनवांछित फल अवश्य मिलेगा।
माँ भगवती की कृपा से आज हमें माँ के दर्शन हो ही गए। और माता ने स्वयं हमसे कहा कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। हमारा पुत्र हमारे पास एक दिन अवश्य लौटेगा। पहले क्षण भर के लिए हमें लगा कि उस स्त्री में देवी दुर्गा का रूप दिखाई दिया, और अब छोटी और भाभी को भी उस मूर्ति में देवी के दर्शन हो गए। हो सकता है ये हमारे मन का भ्रम हो, और यदि सत्य हुआ तो, यदि सच में इन दोनों की पूजा सफल हो गई तो। नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ऐसा किसी भी मूल्य पर होने नहीं दे सकते। इस व्रत के कारण शास्त्री जी और उनकी धर्मपत्नी के मन में आशा का दीपक जला है। यदि किसी कारण से इनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आस्था से इनका विश्वास हट जाएगा और इनकी आशा का दीपक बुझ जाएगा। मार्गदर्शन करें। से अलग नहीं है लक्ष्मी, यदि आप चाहें तो जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं वो स्वयं जान सकती हैं, परंतु फिर भी आप मेरा ध्यान करके मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। जिस असीम श्रद्धा से आप यह व्रत कर रही हैं उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसीलिए मैं आपकी दुविधा को अवश्य दूर करूंगी। आप जिसे ढूंढ रही हैं वो इस समय अपनी तपस्या में मग्न हैं, और आप तो जानती ही हैं माता पिता के ऋण को भूलकर कोई भी तपस्या कभी भी सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना केवल मुझे उस तपस्वी के बारे में बताया बल्कि उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय भी बता दिया।
विष्ठा, दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। तो अभी उस तपस्वी की आंखें नहीं खुली है, उसकी आंखों पर पड़ा पट हटाना होगा, सत्य दिखाना होगा उसे।